तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टेंथ क्लास के अंदर हमने टेबल पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल डिफरेंट एंगल के ऊपर, और वो थी हमारे पास, यहाँ पे थीटा था हमारे पास साइन थीटा, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 पे 0 वैल्यू थी, 30 पे 1/2 था, ये 1/√2 है, ये हमारे पास √3/2 एंड दिस इज 1। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। साइन की वैल्यू को ही हमने चेंज कर दिया। अब टेन थीटा की वैल्यू थी वो थी हमारे पास ये 0, 1/√3, 1√3/√3 और ये हमारे पास नॉट डिफाइन। ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू थी डिफरेंट एंगल के ऊपर। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू थी ये साइन टेन वाली वैल्यू का ही रेसिप्रोकल थी, तो ये इन्फिनिटी था, ये √3 था, ये 1 था, ये 1/√3, ये 0। इसी प्रकार sec थीटा था, ये cos के रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएंगे इसके अंदर हमारे पास, और cos की वैल्यू थी हमारे पास ये 1, ये 2/√3, ये √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी cosec थीटा। तो ये इन्फिनिटी है, ये 2 है, ये भी √2 है, ये 2/√3 है और ये हमारे पास 0। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफरेंट वैल्यू थी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर। अब जो एंगल होता है, वी नो डैट कोई भी लाइन है हमारे पास, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग जो एंगल होगा वो हमारे पास टोटल 360 का एंगल होता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम एंगल लें तो 360 का होता है। अब इस एंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करवा दिया, तो ये हो गया 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे हम इसको, और ये 90 से 180 है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और ये 180 से 270 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, और ये फिर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से 360 तक है। तो ये जो टोटल 360 का एंगल है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करवा दिया। अब इसके अंदर हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 यूनिट है। अब यहाँ पर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा कोस थीटा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन थीटा यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पी है, ये ए है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी ए अपॉन में ओ पी, और ओ पी की वैल्यू तो क्या है, 1 यूनिट है, और पी ए क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, पी से ए वाई एक्सिस की वैल्यू है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार को साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगी ओ से ए अपॉन में ओ से पी, और ओ ए भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, कोसाइन थीटा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन में ओ पी, ओ ए, ये दोनों वैल्यू ही क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। अब मान लीजिए वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की हो जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो भाई ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है,
और ये तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू अपॉन में पी ओ। पी क्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, किसकी है ये? वाई की है। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू अपॉन में पी ओ, और ओ क्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगी। यदि साइन की पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और कोस क्या है? नेगेटिव है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू हम चेक करें यहाँ पे, तो टेन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पी क्यू अपॉन में ओ क्यू। तो पी क्यू क्या है? पॉजिटिव है, नीचे क्या है? नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर साइन एंड कोसेक ये दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें एंगल लेते हैं, क्वाड्रेंट लेते हैं, कोई भी थर्ड के अंदर पॉइंट लिया हमने, पी पॉइंट लिया, और यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो ये जो वैल्यू है इस पॉइंट की, यहाँ पे वाई की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर वैल्यू हम लेंगे तो ये वैल्यू सिमिलरली हम निकालेंगे साइन की, कॉस की, टेन की, कोटेंजेंट की। तो यहाँ पे टेन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा और सीकेंट थीटा, इसी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सभी की क्या वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो ये हमें याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा? टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये हमें मेमोराइज करना है, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव है, सेकंड के अंदर कौन है, थर्ड के अंदर कौन है, फोर्थ के अंदर कौन है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास, और वो क्या है? After school to college means all positive, school means sign, इसका reciprocal T2 for 10 theta, कॉलेज मीन्स कोसाइन थीटा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, साइन, टेंजेंट, कोस थीटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको भी हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, वैसे भी आप याद कर सकते हो। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 क्या है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फाइव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें, गिवन है कोस एक्स है वो हमारे पास माइनस का 1/2, एंड एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, और cos x है वो हमारे पास ये है। तो cos x क्या होता है, मान लीजिए ये एंगल है ट्राइंगल ABC हो गया हमारे पास, ये एंगल x है, तो cos की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? cos होता है हमारे पास बेस अपॉन में
हाइपोटेन्यूज ये मान लीजिए बेस है, ये वन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास टू हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वेयर माइनस में बी सी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू फोर, टू का स्क्वेयर फोर माइनस में वन इक्वल टू थ्री, एंड ए बी इक्वल टू रूट थ्री। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट थ्री। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट फिगर से भी निकाल सकते हैं हम, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी रूट थ्री बाई टू। एंड क्वाड्रेंट इन द थर्ड एक्स वाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गए तो माइनस हम लगा देंगे। टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन में वन। थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड के अंदर टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रह जाएगी। कोट की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगी वन बाय रूट थ्री, और कोट भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा टू अपॉन में रूट थ्री, और ये हो जाएगा माइनस का। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा टू विच इज़ नेगेटिव बिकॉज थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। सेकंड है हमारे पास साइन एक्स, हमारे पास टू बाई फाइव, ये साइन एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन में फाइव, एंड एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स लाई करता है, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है थ्री अपॉन में फाइव है, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास वन माइनस में साइन स्क्वायर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का ये फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, तो ये फोर अपॉन में फाइव हो जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे नेगेटिव। और टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन में फोर, और ये वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे हम, क्यों एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, टेन एक्स हमारे पास वो है माइनस का फाइव अपॉन में ट्वेल्व, टेन एक्स की वैल्यू है माइनस का फाइव अपॉन में ट्वेल्व, एंड एक्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, टेन एक्स की वैल्यू आपके पास है, तो टेन की है तो सेकंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस में वन प्लस में टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल हो जाएगा सेकंड स्क्वेयर एक्स, और ये हो जाएगा वन प्लस में ट्वेंटी फाइव अपॉन में वन फोर्टी फोर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वेयर एक्स, और ये हो जाएगी वैल्यू थर्टीन अपॉन में ट्वेल्व, ये सेकंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स किस में है सेकंड में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी ट्वेल्व अपॉन में थर्टीन हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अब कॉस की वैल्यू आपके पास है, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, साइन एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा वन माइनस में वन फोर्टी फोर अपॉन में वन सिक्स नाइन, दिस इज इक्वल टू फाइव अपॉन में थर्टीन, एंड एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज पॉजिटिव। तो इस प्रकार हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 इंटू में 360 कितना हो जाएगा 720, और प्लस क्या हो जाएगा 45, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 360। तो जो भी लाइन है लाइन के अकॉर्डिंग दो रोटेशन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो दो रोटेशन कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा, दो रोटेशन हम कंप्लीट ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 45 के इक्वल, और साइन 45 क्या होता है वन बाई रूट टू हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी वन बाई रूट टू। फार्मूला हमने पढ़ा था टेंथ क्लास के अंदर भी है, और वो था हमारे पास
साइन 90 माइनस में थीटा, तो ये हमारे पास कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा हम लें तो ये साइन थीटा होता है। 90 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 90 से प्लस माइनस करते ही माइनस के ऊपर। थर्ड था हमारे पास टेन 90 माइनस में थीटा है तो ये कॉट के अंदर चेंज हो जाएगा। और फोर्थ इज कोट हम लें 90 माइनस में थीटा तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा टेन थीटा के अंदर। और फिफ्थ है हमारे पास सेकेंड हम लें 90 माइनस में थीटा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड 90 माइनस थीटा हम लें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेकेंड हम लें 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट ऑफ थीटा। ये सभी हमने पढ़े थे टेंथ क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो एंगल था हमारे पास वो 90 माइनस था, 90 माइनस का मतलब 90 में से कम करते ही ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। यदि हम यहाँ पे प्लस लगा दें तो साइन 90 प्लस थीटा होते ये कॉस में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड के अंदर ये वैल्यू क्या है, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन में कन्वर्ट हो गए, क्यों हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि हम इसको ये लिख दें कोस 90 प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड के अंदर कोस क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस के ऊपर तो ये प्लस था लेकिन प्लस करते ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा यदि हम करें 90 माइनस तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और 90 प्लस करते ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या है, नेगेटिव है, तो ये बाहर हो जाएगा नेगेटिव। कोटेंजेंट है तो ये पॉजिटिव वैल्यू 90 माइनस के ऊपर, 90 प्लस करते ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोट क्या है, नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार सीकेंट है वो 90 माइनस करते ये पॉजिटिव है और 90 प्लस करते ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोसिकेंट है 90 माइनस किया हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 90 प्लस कर दिया तो भी ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 90 के ऊपर जो भी हम एंगल लेंगे वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी जो आइडेंटिटी आती है इसके अंदर वो ये आती है, साइन हम ले लें पाई या फिर 180 माइनस में थीटा, तो ये साइन 180 माइनस करेंगे तो ये साइन थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार कोस हम लें 180 माइनस थीटा तो ये भी हमारे पास कोस थीटा ही रहेगा। थर्ड इज 90 के ऊपर वैल्यू चेंज होगी, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 से करोगे आप तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये सेम रहेगी। टेंजेंट 180 माइनस थीटा हमने ले लिया तो ये टेन थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार कोट हमने ले लिया 180 माइनस थीटा तो ये भी क्या रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा। फिफ्थ इज कोट के बाद हम सेक थीटा लेते हैं 180 माइनस में थीटा तो ये भी सेम रहेगा सेक थीटा। और सिक्स लिया हमने कोसेक 180 माइनस में थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन इनकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेंट था माइनस के ऊपर वो फर्स्ट था, अब ये साइन है 180 माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 में से कुछ भी घटाओगे तो यहाँ पे आओगे आप, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, साइन में ही रहेगी। साइन क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार कोस 180 माइनस किया तो ये कोस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। टेंजेंट भी सेकंड में क्या है, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार कोट है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कोसिकेंट है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये सीकेंट है ये भी नेगेटिव, और कोसिकेंट है ये हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा। अब 180 प्लस करें हम यहाँ पे तो प्लस करते ही 180 के अंदर कुछ जोड़ोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, और थर्ड के अंदर साइन क्या है, नेगेटिव है। कोस का हमने किया है, कोस के अंदर 180 माइनस कर दिया या 180 प्लस कर दिया तो या तो ये सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा, दोनों केस में ये क्या है, नेगेटिव है। टेंजेंट है
तो 180 प्लस करते ही ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार जो कोट है तो कोट के अंदर 180 माइनस किया तो नेगेटिव है, 180 प्लस किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा थर्ड में पॉजिटिव। कोसिकेंट ये सिकेंट है, ये 180 प्लस करेंगे तो भी ये नेगेटिव रहेगा, और ये जो वैल्यू है पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो दो आइडेंटिटी हमारे पास ये हैं, इनके अकॉर्डिंग 180 प्लस माइनस आप कुछ भी करोगे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के अनुसार उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अंदर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और 90 के ऊपर हम प्लस माइनस करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोट में, कोट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेकेंट हमारा कोसेकेंट में, कोसेकेंट हमारा सेकेंट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, सेवन्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट माइनस 1/4 tan। अब यहाँ पे जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए एंगल है, ये डायरेक्शन में हमने लिया, तो सबसे पहले नेगेटिव एंगल है तो ये थीटा है, और यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा, ये क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ, तो पॉजिटिव कौन सा है, यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, और बाकी सब क्या है, कॉस और सेकेंड ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव। तो एक आइडेंटिटी हम यहाँ से बनाते हैं भाई, कोई भी थीटा हो, जैसे साइन है माइनस ऑफ थीटा है, नेगेटिव एंगल है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी है, कोस के अंदर हम माइनस थीटा ले लें, नेगेटिव के अंदर हो तो कोस के अंदर ये प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव है। और थर्ड है हमारे पास टेन, हम लें माइनस ऑफ थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन ऑफ थीटा। और फोर्थ है कोट के अंदर हम लें माइनस ऑफ थीटा तो ये भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कोट ऑफ थीटा हो जाएगा। फिफ्थ हमारे पास आइडेंटिटी सेकंड हम लें माइनस ऑफ थीटा, सेकंड क्या होता है फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो ये सेकंड थीटा हो जाएगा। सिक्स हमारे पास कोसेकेंट है हमारे पास माइनस ऑफ थीटा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो सिर्फ कोस और सेकंड क्या होंगे, माइनस के अंदर प्लस हो जाएंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब वैल्यू हमारे पास कोसेकेंट, वैल्यू है कोसेकेंट माइनस 1/4 1/4 10। तो इसको हम लिख लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा ये और ये हो जाएगा कोसेकेंट 1/4 tan 0। अब ये देखेंगे कितने रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कंप्लीट कितने हो जाएंगे, 360 से है, 360 को हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 6 24 2 14। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस के अंदर कोसेकेंट और ये हो जाएगा 4 × 360 माइनस में हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 360 का मल्टीपल है, इसको हम पाई के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट 8 × 180 माइनस में 360। अब ये 180 का मल्टीपल कुछ भी हो तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रह जाएगी, और ये माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास कोसेकेंट 30। अब यहाँ पे क्या है, चार राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ राउंड हम कंप्लीट लगा के और उसमें से कुछ ना कुछ घटा रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेकेंट 30, और कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एट्थ क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 19π/3। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू हम इसको या तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं,
या इसकी हम वैल्यू कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है 19 पाई अपॉन में 3 है, इसको हम डिग्री के अंदर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियन है, और ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई के इक्वल हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 19 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास तो 0 56 6 और 5 11 1140 हो जाएगा हमारे पास 1140 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 1140 डिग्री। 360 के हम राउंड बनाते हैं, 3 से 0 18 1 1080, तो ये हो जाएगा 10 3 × 360 प्लस हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, तो इसको हम लिख लेंगे 10 6 × 180 प्लस हो जाएगा 60। अब ये क्या है, 180 का मल्टीपल है, तो 180 के ऊपर क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो टेंजेंट टेंजेंट में रह जाएगा और ये हो जाएगा टेंजेंट 60। अब ये देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 और ये 3, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐड, और वो कितना 60 है, तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, तो फर्स्ट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये 10 क्या हो जाएगा 60, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2।